नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों मेरे पास में काफी टाइम से कमेंट आ रहा है कि मैडम वशीकरण के लिए कोई उपाय बताइए। वशीकरण, कई लोग चाहते हैं कि हमारे जो हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारे जो प्रियजन हैं, जो अपने लोग हैं, अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप उन पर वशीकरण कर दें, वो आपकी बात मानने लग जाएं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वशीकरण का एक उपाय लेकर आई हूँ, वशीकरण का टोटका लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, वशीकरण ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। वशीकरण को करने की विधि होती है, अगर आप उसे प्रॉपरली इसी तरीके से करेंगे तो वशीकरण जरूर काम करता है। तो चलिए, कैसे करना है वशीकरण, क्या क्या करना है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही कारगर है, बहुत ही असरदार है, जो जिस पे भी आप वशीकरण करना चाहते हैं बहुत ही जल्दी आपके लिए वो आपका अपना हो जाएगा, आपकी हर बात मानेगा, आपके दिमाग को समझेगा, आपको समझेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा। ठीक है, तो चलिए क्या करना है ये आपको बताती हूँ, मगर उससे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस तरह की यूजफुल वीडियो आप लोग मिस करते जाएंगे, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले तो लेना है सिंदूर, साथ में आपको लेना है चमेली का तेल, और साथ में आपको लेना है लौंग। ठीक है, सिंदूर, चमेली का तेल, लौंग, ये ऐसी चीजें हैं जो अगर घर पर अवेलेबल नहीं है तो आप लेकर आ जाए, इसके बाद में जो चीजें लगेगी वो हमारे घर में अवेलेबल रहती है। ठीक है, अब सबसे पहले सिंदूर, ठीक है, ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है ये आपको चमेली के तेल में घोल लेना है। कितना घोलना है, थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब सिंदूर लेंगे, इसे चमेली के तेल में थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा घोल लेंगे। ठीक, अब हम इसे किसी कटोरी में घोल लें। अब हमने जो पांच लौंग ली है, इन पांचों लौंग को आपको इस सिंदूर में भिगा लेना है। ठीक है, सिंदूर पूरा मतलब अच्छे से डुबा देना है, ताकि अच्छे से इन पांचों लौंग के ऊपर अच्छे से सिंदूर लग जाए। ठीक है, इसे अच्छे से चारों तरफ सिंदूर लगा लें। ठीक है, अब इन सिंदूर में ये जो हमारी लौंग हुई है इन्हें आप किसी कागज पर रख लें। ठीक है, ताकि आपके हाथ वगैरह गंदे ना हो, इन्हें किसी कागज पर रख लें, उस कागज की आप पुड़िया बना लें, जितनी छोटी हो सके उतनी बना लें। अब जिस पर आप वशीकरण करना चाहते हैं, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, आपकी बात सुने, आपको समझे, आपकी भावनाओं को समझे, उस पर आपको ये जो हमने पांचों लौंग ली है सिंदूर से डूबी हुई, इसको आप इस तरह से मुट्ठी में बंद करेंगे, और उस व्यक्ति के ऊपर से आपको पांच बार वार लेनी है। सोया हुआ है तब वार लें उसको, पर इस तरह से वारें कि उसको पता ना चले। ठीक है, जैसे हम नज़र उतारते हैं ना, उस तरीके से आपको पांच बार उसके ऊपर से वार लेनी है। ठीक है, बस उस व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए, अगर पता चल जाएगा तो वशीकरण काम नहीं करेगा। तो आपको ये पांचों लोग उस व्यक्ति के ऊपर से पांच बार वार लेनी है। वार लेने के बाद में, ठीक है, जब आप उसके ऊपर से ये उतार लेंगे, उतारने के बाद में जो भी रविवार पड़ेगा, अच्छा रहे कि आप रविवार के दिन इसे करें। ठीक है, रविवार की शाम के समय, ठीक है, शाम का जो एक ही का टाइम होता है, मतलब जब शाम ढल रही होती है रात आने वाली रहती है, दिन जा रहा होता है रात आ रही होती है, जो वो एक ही टाइम होता है, जैसे गर्मियों में 7 बजे का समय होता है, आधा अंधेरा आधा उजाला, ऐसा वाला जो समय होता है, उस समय आपको एक आटे का दीपक बनाना है। ठीक है, हमारे घर में जो आटा होता है, गुथा हुआ आटा, आटे का दीपक बनाना है, उसमें आपको वो जो हमने चमेली का तेल और सिंदूर घोला है वो दीपक के अंदर आपको लगा देना है। लगाने के बाद में उस दीपक को आपको चमेली के तेल से ही भर देना है, एक बत्ती वाला दीपक आपको बना लेना है। ठीक है, अंदर आपको सिंदूर पोत देना है, सिंदूर लगा देना, उसके बाद में इसमें चमेली का तेल डाल देना है और एक बत्ती इसमें डाल देना है, और वो जो पांच लौंग हमने ली है वो भी, वो जो हमने उसके उस व्यक्ति के ऊपर से उतारी थी, ठीक है, वो पांचों लौंग उस कागज से आप हटा ले, कागज तो फेंक दो, पांचों लौंग इस दीपक के बीच में आपको डाल देनी है। ठीक है, अब इस दीपक को आपको आपके घर के आसपास जो भी तिराहा या चौराहा हो, ठीक है, जहाँ पर तीन रास्ते फूटते हैं या फिर चार रास्ते फूटते हैं, वहाँ पर आपको जाके इसे चुपचाप लगाना है। ठीक है, ऐसे समय जाए कि आपको कोई देखे नहीं। ठीक है, अगर आपके मतलब अगर शाम का जो समय होता है उस समय आपको लग रहा है कि कोई मुझे देख लेगा, किसी को पता चल जाएगा, तो आप देर रात भी जा सकते हैं अगर आपको सूटेबल लगे तो, या फिर ऐसा तिराहा चौराहा ढूंढे जहाँ पर कम लोग आते जाते हों, सुनसान सा हो, वहाँ पर इसे आपको जला देना है। ठीक है, वहाँ पर आप इसे ले जाएँ और इसे जला दें। घर से जला के नहीं ले जाना है, वहां जाकर आपको इसे जलाना है। जलाते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। ठीक है, एक ही बार एक मंत्र को बोलना है, छोटी सी लाइन है वो आप देख लें स्क्रीन पर, ये लाइन आप वहां पर दीपक जलाते समय बोल दें। ठीक है, और बस वहां से वापस आ जाएं, आपको पलट के नहीं देखना है। ठीक है, उस दीपक को आप पलट के नहीं देखेंगे और वापस आ जाएं। इस बीच में अगर आपको कोई देखता है या आपसे कुछ पूछता है या आपको टोकता है या फिर आपसे कुछ भी सवाल करता है, आपको जवाब नहीं देना है। ठीक है, कहते हैं कि जब हम कोई टोटका करते हैं तो अगर कोई हमें टोक देगा तो वो टोटका काम नहीं करेगा। तो अगर कोई आपको टोक रहा है, कोई पूछ रहा है क्या कर रहे हो, कोई पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो, तो आपको जवाब नहीं देना है बिल्कुल। ठीक है, उसकी बात को इग्नोर कर देना। और अगर ऐसा किसी ने कर दिया, दीपक जब आप लेकर जा रहे हैं, इस बीच में आपको किसी ने टोक दिया कि जब जा रहे हैं तभी टोक दिया, तो आप वापस घर आ जाए। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद जाए। ठीक, ऐसा करके घर वापस आ जाना है। आप खुद देखेंगे 11 ही दिनों में वो व्यक्ति आपको पूरी तरह से वश में हो जाएगा, आपकी बातें मानने लग जाएगा, आप जो कहेंगे वैसा करने लग जाएगा। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये जो वशीकरण है, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, ये कब काम करता है। ठीक है, जब आप अपने फायदे के लिए इसे कर रहे हैं, पर आपका तो फायदा हो पर और किसी का नुकसान ना हो, तभी ये वशीकरण होगा। ठीक है,
ये वशीकरण मोस्टली कब होगा, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में, अगर आप किसी की मतलब दुर्भावना से अगर इसे नहीं करेंगे, किसी का अच्छा ही है इसमें, तभी ये काम करेगा। ठीक है, खुद के सिर्फ स्वार्थवश अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं तो ये काम नहीं करेगा। मान लीजिए कि कोई पत्नी है, उसका पति उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, घर में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, तब तो वो पत्नी अगर इस ये टोटके को करेगी तो पति जरूर वश में आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। ठीक है, पर मान लीजिए कि कोई पति अच्छा खासा है और औरत चाहती है कि ये पूरी तरह से मेरा वश में हो जाए, मेरा गुलाम जैसा हो जाए, जो रूपा गुलाम जैसा, कि मैं जो कहूँ वो करने लग जाए, तब ये काम नहीं करेगा। सास बहू में अनबन रहती है, घर में खटरपटर होती रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान, प्रताड़ित कर रही है, डोमिनेट कर रही है अगर सास, तब अगर बहू इसे करेगी तो काम करेगा। पर अगर बहू सोचे कि सास अच्छी खासी बेचारी अच्छे से रह रही है, और अगर फिर भी बहू ये सोचे कि मैं इसको वश में कर लूँ ताकि इनका सारा धन दौलत जो भी है ये मेरे वश में आ जाए, तब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर आप किसी चीज से परेशान हो रहे हैं, उस परेशानी को दूर करने के लिए आप सामने वाले को वश में करना चाहते हैं, तो ये काम करेगा। पर अगर आप बिना बात के किसी चीज के प्रकृति के साथ में खेलते हैं, सामने वाला अच्छा खासा अपने रास्ते चल रहा है, आप उसे छेड़ेंगे, तब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के साथ में इसे करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में, कि माना आपका भला हो पर किसी और का नुकसान ना हो, तभी ये काम करेगा। इस सोच के साथ में अगर आप इसे करेंगे तो जरूर सामने वाला आपके साथ में आपसे वशीकरण हो जाएगा, वशीकरण उस पर हो जाएगा, आपकी बात मानेगा, आपकी बात सुनेगा। कीजिए जरूर, फिर जो रिजल्ट मिलता है मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिए। कोई परेशानी आती है, कोई दुविधा है, कोई दिक्कत है, तो मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आपको कोई और उलझन है, कोई समस्या है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखना, खुद से ढेर सारा प्यार करना, मुझसे ढेर सारा प्यार करना। बाय बाय।